दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत में तेजी से बढ़ रही जनसंख्या नियंत्रण को लेकर दो बच्चे पैदा करने के मानदंडों को अमल में लाने के लिए आदेश जारी करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालत सरकार के कार्यों को अंजाम नहीं दे सकती। बीजेपी प्रवक्ता और वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा जनसंख्या नियंत्रण को लेकर दाखिल की गई याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण पर नीति बनाना हमारा काम नहीं है, ये केंद्र सरकार का काम है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, जनसंख्या नियंत्रण के लिए नीतियां बनाने का काम संसद और विधायिका का है, भला इसमें कोर्ट कैसे दखल दे सकती है। कोर्ट का काम कानून की व्याख्या करना है, या फिर सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों का पालन नहीं कर रहा हो तो उसके लिए अलग अलग विभागों को निर्देश देना है। हाईकोर्ट ने इस याचिका का निपटारा ये कहकर कर दिया कि इस मामले में याचिकाकर्ता केंद्र सरकार से संपर्क करे और अपने सुझाव सरकार को दे। अदालत ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाना सरकार का अधिकार है, अगर यह काम भी कोर्ट करने लगेगा तो उसे सरकार के कई विभागों के लिए काम करना पड़ेगा, लिहाजा हमें नहीं लगता कि कोर्ट को इसे जनहित याचिका पर सुनवाई करने की कोई आवश्यकता है। याचिका में जनसंख्या नियंत्रण के लिए न्यायमूर्ति वेंकट चलैया की अगुवाई में राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग की सिफारिशें लागू करने का भी अनुरोध किया गया था। याचिका में जनसंख्या नियंत्रण को रोकने के लिए कुछ नियम सख्ती से पालन होने जरूरी हैं और जो भी जनसंख्या नियंत्रण में सहयोग न करे उस व्यक्ति को वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और मुफ्त कानूनी सहायता जैसी सुविधाओं से वंचित कर देना चाहिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार ये नीतियां बनाने में सक्षम हैं कि सरकारी नौकरी, किसी भी तरह की सब्सिडी, वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार या संपत्ति पर अधिकार आम आदमी अपने परिवार को सिर्फ दो बच्चों तक ही सीमित कर दे। सरकार को नीतियां बनाने के लिए निर्देश देने का काम कोर्ट का नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट। कोयला घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर 42 अधिकारियों के ट्रांसफर की मांग की है। ईडी की ओर से की गई इस अर्जी में कहा गया है कि इन अधिकारियों का डेप्यूटेशन ईडी के साथ खत्म हो रहा है, लिहाजा इनका ट्रांसफर किया जाए। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि मामले की लिस्टिंग और सुनवाई का फैसला मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ही लेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले आदेश दिया था कि कोयला घोटाला मामले की जांच कर रहे अधिकारियों का ट्रांसफर कोर्ट की इजाजत के बिना नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक प्रक्रिया सहित यानी कि सीआरपीसी की धारा 125 की संवैधानिकता की चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई है जो रखरखाव से संबंधित कानून को नियंत्रित करती है। याचिका में कहा गया है कि सीआरपीसी की धारा 125 माता पिता और बच्चों को रखरखाव प्रदान करने के मामले में लिंग के आधार पर भेदभाव, पति पत्नी के मामले में स्पष्ट रूप से भेदभाव करता है और लिंग के आधार पर भेदभाव करता है। याचिकाकर्ता और प्रतिवादी ने 2011 में शादी कर ली और उनके पास एक बच्चा था। 2013 में याचिकाकर्ता ने मानसिक और शारीरिक क्रूरता के आधार पर तलाक के लिए दायर किया और बच्ची की हिरासत की मांग की। 2015 में देहरादून में एक फैमिली कोर्ट द्वारा तलाक की डिक्री पारित की गई थी। हालांकि अदालत ने बच्चे की याचिकाकर्ता की हिरासत में देने से इनकार कर दिया। पति और पत्नी दोनों ने इस आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी। यह याचिका भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के व्यभिचार कानून के मामले में उनके फैसले से परिवर्तनकारी संवैधानिकता पर पेश होने का संदर्भ भी देती है। संदर्भ सुप्रीम कोर्ट के उन प्रावधानों का भी रेफरेंस दिया गया है जो समकालीन समाज में अच्छा नहीं है। इस संबंध में नवतेज जौहर और जोसेफ शाइन में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उदाहरण दिया गया है। बाल तस्करी के मामले में पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार आमने सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस टकराव पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र के बीच लड़ाई के कारण गरीब लड़कियां पीड़ित नहीं हो सकती। हम पश्चिम बंगाल को लेकर परेशान नहीं हैं, हम गरीब लड़कियों के बारे में परेशान हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि दो वैधानिक निकायों के बीच लड़ाई है। आप दोनों गरीब बच्चों के फायदे के लिए किसी फैसले पर नहीं पहुंच सकते। पश्चिम बंगाल बाल अधिकार आयोग के खिलाफ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है और इस मामले में
केंद्र और राज्य के आयोगों के बीच टकराव है कि कार्रवाई कौन करे। राष्ट्रीय आयोग ने पश्चिम बंगाल में बाल तस्करी मामले में कार्रवाई की थी और पश्चिम बंगाल के पुलिस अफसर राजेश कुमार को तलब किया था, लेकिन राज्य आयोग ने कहा कि वो इस मुद्दे को देख रहा है और राष्ट्रीय आयोग इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। चूंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस मामले पर बहस करने के लिए नहीं थे, इसलिए मामले में सुनवाई कल होगी। राष्ट्रीय आयोग ने कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने से रोकने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री की आजीवन सुविधा देने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला गाड़ी की सुविधाएं नहीं मिलेगी। मिला पंचंड, डांडिया और अन्य की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट पर जस्टिस प्रकाश गुप्ता ने इस मामले में फैसला सुनाया। 9 मई को मुख्य न्यायाधीश एस रविन्द्र भट्ट की खंडपीठ ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। याचिकाओं में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सुविधा देने के राजस्थान सरकार के कानून को चुनौती दी गई थी। उत्तर प्रदेश में ऐसे ही मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही विधेयक को अवैध ठहरा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी सुविधाओं को लेकर यूपी सरकार के विधेयक को असंवैधानिक ठहराते हुए रद्द कर दिया था। राजस्थान में वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और जगन्नाथ पहाड़िया इसी तरह की सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। प्रदेश सरकार ने राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम 1956 में संशोधन करके पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी सुविधाओं का हकदारी बनाया हुआ है। इन्हीं सुविधाओं को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब यूपी में भी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करने के आदेश, और सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के कानून को असंवैधानिक ठहराने के बाद अब राजस्थान में भी फैसला सरकार के खिलाफ आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया था कि राज्य सरकारों को इस तरह का कानून बनाने का कोई हक नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तर्ज पर प्रदेश में राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम 1956 में संशोधन को खारिज किया जा सकता है। प्रदेश सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी सुविधाओं का हकदारी बनाने के लिए राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम 1956 में संशोधन किया था। कोलकाता के बहुबाजार में ईस्ट वेस्ट मेट्रो के कार्य के चलते कई और मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इससे लोगों में दहशत व्याप्त हो गया है। मालूम है कि पिछले दिनों कार्य के चलते कई घरों में दरारें पड़ गई, हालांकि काम अभी बंद कर दिया गया है। और दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीड़ितों को घर देने का ऐलान किया है। मेट्रो टनल की खुदाई के कारण बहुबाजार इलाके में मंगलवार को एक और मकान ढह गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बहुबाजार इलाके में मेट्रो टनल के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश टीडी राधाकृष्णन की खंडपीठ ने 16 सितंबर तक मेट्रो रेलवे प्रबंधन से मामले पर रिपोर्ट मांगी है, जिसे देखने के बाद ही फिर से टनल की खुदाई शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। अदालत ने टनल के लिए चल रही खुदाई से मकानों के क्षतिग्रस्त होने की घटना को गंभीर बताया है। गौरतलब है कि खुदाई के दौरान पानी के रिसाव के कारण कोलकाता मेट्रो रेल निगम से खुद ही शनिवार से काम बंद कर दिया गया था। केएमआरसी की ओर से इस दिन अदालत को खुद भी इसकी जानकारी दी गई थी और कहा गया था कि अदालत की मंजूरी मिलने के बाद ही फिर से काम शुरू किया जाएगा। केएमआरसी ने 5 मकानों को नुकसान पहुंचाने की बात कही है। गौरतलब है कि एक स्वयंसेवी संस्था की ओर से हाईकोर्ट में मेट्रो टनल के निर्माण कार्य के चलते बहुबाजार के लोगों को हो रहे नुकसान को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी और मुंबई मेट्रो को 2000 से ज्यादा पेड़ काटने के फैसले पर जवाब देने के लिए कहा है। बीएमसी ने जवाब देने के लिए हाईकोर्ट से 15 दिन का समय मांगा है। तब तक सारे जंगल का कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। बीएमसी के वृक्ष प्राधिकरण ने आरे जंगल में मेट्रो शेड बनाने के लिए 2000 से ज्यादा पेड़ काटने का आदेश दिया था। इसके बाद आरे जंगल पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीएमसी के इस फैसले का खुलकर विरोध किया था। इसके साथ ही कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने इस पर चिंता भी जाहिर की थी। यह मामला बॉम्बे हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी और मुंबई मेट्रो को 2000 से ज्यादा पेड़ काटने के फैसले पर जवाब देने के लिए कहा है। बीएमसी ने जवाब देने के लिए हाईकोर्ट से 15 दिन का समय मांगा है। तब तक आर्य जंगल का कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। आर्य जंगल से पेड़ काटने का मुद्दा लगातार ही सुर्खियों में रहा है और आर्य जंगल पर बीएमसी के फैसले के विरोध में कई बड़ी हस्तियां उतरी है। इसमें लता मंगेशकर, श्रद्धा कपूर का नाम भी शामिल है। इस मामले पर पर्यावरणविद गॉडफ्रे पिमेंता ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पिमेंता ने बीएमसी के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई थी और पीएम मोदी ने इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट यंग लॉयर फोरम की ओर से सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए एक सम्मान
कार्यक्रम का आयोजन इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट में किया गया। इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सूर्यकांत को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान इन दोनों जजों ने युवा वकीलों की हौसला अफजाई की और साथ ही ये भरोसा भी दिलाया कि वो अपने काम को बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस विनीत शरण विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। जस्टिस अशोक भूषण विशेष रूप से मौजूद रहे। इसके अलावा केंद्र सरकार के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ साथ बड़ी तादाद में यंग लॉयर्स भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने इस कार्यक्रम के लिए आयोजकों को शुक्रिया अदा किया और ये भी कहा कि यंग लॉयर्स के लिए वर्कशॉप सेमिनार का आयोजन किया जाना चाहिए जिससे यंग लॉयर्स को काफी फायदा होगा। जस्टिस विनीत शरण ने दोनों नए जजों को शुभकामनाएं भी दी। बात करते हैं आज के केस ऑफ द डे की। सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन ने कहा कि मूर्तियां रख देने से मस्जिद का अस्तित्व खत्म नहीं होता है, न ही नमाज न पढ़ने से मस्जिद के वजूद पर सवाल खड़े हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद की 19वें दिन की सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत में सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन ने अपनी दलीलें रखी। उन्होंने कहा 1528 में बाबर के अयोध्या आने और मस्जिद बनाने की बात कही जाती है। शिलाओं पर लिखे आलेख पर कोई शक को शुबह नहीं किया जा सकता है। गजेटियर में दर्ज है कि जन्म स्थान के पास मस्जिद थी, वहां निर्मोही अखाड़ा ने चबूतरा बनाया। 1825 के आसपास वहां सिंह द्वार बनाने की इजाजत पर भी हंगामा हुआ था। फिर अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, यानी अंदर मस्जिद बाहर पूजा। धवन ने विभिन्न दस्तावेज पढ़ते हुए कहा ऐतिहासिक कार्नेगी के स्केच और वर्णन भी बाबर के बनाई मस्जिद की बात कहते हैं। कसौटी खंभे बौद्ध मठ का हिस्सा होने का अनुमान लगाया गया था। हिंदुओं ने 3 बार विवादित इमारत पर कब्जे की कोशिश की थी। धवन ने कहा 1828 के गजेटियर में हेमल्टन ने मस्जिद का कोई जिक्र नहीं किया है, जबकि मार्को पोलो ने तो जिक्र किया है। ये दावा किया गया कि 360 मंदिर ध्वस्त किए गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के गजेटियर में भी कहा गया वहाँ मस्जिद थी जिसे बाबर का बनाया हुआ कहा जाता है और वही हिंदू राम का जन्म स्थान मानते हैं। राजीव धवन ने कहा कि अगर याचिका समय से दाखिल नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ मस्जिद नहीं थी। मूर्तियाँ रख देने से मस्जिद का अस्तित्व खत्म नहीं होता, ना ही लगातार नमाज ना पढ़ने से मस्जिद के वजूद पर सवाल खड़े हो सकते हैं। निर्मोही अखाड़े ने भी कई बार आंतरिक अहाते पर दावा नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड हाई कोर्ट ने जेपीएससी की ओर से आयोजित 6वीं संयुक्त स्नातक की मुख्य परीक्षा मामले में दाखिल याचिका पर 16 सितंबर को सुनवाई होगी। इस मामले पर सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता के आग्रह पर कोर्ट ने 16 सितंबर को सुनवाई निर्धारित की है। परीक्षा के विज्ञापन में किए गए संशोधन को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की गई है। दरअसल इस संबंध में पंकज कुमार पांडे की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इसमें 6वीं संयुक्त स्नातक परीक्षा को लेकर विज्ञापन में हुए बार बार बदलाव को चुनौती दी गई है। प्रार्थी का कहना है कि एक बार विज्ञापन जारी होने के बाद सरकार उसमें बदलाव नहीं कर सकती, इसलिए मुख्य परीक्षा को रद्द किया जाए। इस मामले में कई अन्य अभ्यर्थियों ने हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है जिसे अदालत ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक बार एसोसिएशन के प्रस्ताव पर आलोचनात्मक टिप्पणी करते हुए वकीलों ने कुछ मामले में अभियुक्तों की ओर से पेश होने से रोकने के आग्रह को गलत बताया। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में दोहराया था कि प्रत्येक अभियुक्त को कानूनी प्रतिनिधित्व का मौलिक अधिकार है, चाहे उसका कोई भी अपराध हो। अदालत ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत हर अभियुक्त को एक मौलिक अधिकार है, परामर्श के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए और उसकी पसंद का कानूनी व्यवसायी द्वारा बचाव किया जाना चाहिए यदि वो प्रशंसनीय वस्तु है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 22(1) और भाग 4 में अनुच्छेद 39(a) अभियुक्त के मौखिक
मौलिक अधिकार पर रखा गया कोई भी भ्रूण उसकी पसंद के वकील द्वारा बचाव किया जाना आर्थिक या अन्य कारणों से गैरकानूनी और असंवैधानिक है। न्यायालय ने इस बात पर जोर देने के लिए आगे बढ़कर कहा कि वकीलों के अपने पेशेवर हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों पर एक पेशेवर कर्तव्य है। अदालत ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के पार्ट 6 चैप्टर 2 के सेक्शन 2 के क्लॉज 15 ये निर्धारित करता है कि किसी वकील का कर्तव्य होता है कि वो अपने ग्राहक के हितों को सभी निष्पक्ष और सम्मानजनक तरीके से बिना किसी डर के समझे। इसके लिए उसे अपराध के आरोपी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत राय की परवाह किए बिना उसकी रक्षा करने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सिफारिश की है कि मद्रास और मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों ने स्थानों को स्वैप किया। ये सिफारिश की गई है कि मद्रास उच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश वीके ताहिल रमानी और मेघालय उच्च न्यायालय के स्थानांतरण किया जाए। उनके स्थान पर कॉलेजियम ने सिफारिश की है कि मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एके मित्तल को अगले मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा। जस्टिस संजय करोल झारखंड हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने इसकी मंजूरी दी है। संजय करोल का स्थानांतरण किया गया है। वे अभी त्रिपुरा हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदस्थित हैं। आपको बता दें कि फिलहाल झारखंड हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश का पद पिछले कई दिनों से खाली है। यहां कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में प्रशांत कुमार कार्यरत थे। उनका 30 अगस्त को निधन हो गया था। उनके निधन के बाद HC मिश्रा झारखंड हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस काम कर रहे थे। इसके पूर्व झारखंड हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अनिरुद्ध बोस थे जो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं। जस्टिस संजय करोल 1986 से वकील के रूप में कार्यरत हैं। वे संविधान टैक्सेशन कॉर्पोरेट लॉ क्रिमिनल व सिविल लॉ के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने 1998 से 2003 तक हिमाचल के एडवोकेट जनरल के रूप में काम किया। उन्होंने 1999 में सीनियर एडवोकेट मनोनीत किया गया। मार्च 2007 में वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जज बने। अप्रैल 2017 में उन्हें पूर्व मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर की सेवानिवृत्ति के बाद हिमाचल हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। वो 5 अक्टूबर 2018 तक इस पद पर रहे। इसके बाद उनका स्थानांतरण त्रिपुरा हाई कोर्ट पर कर दिया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने झारखंड विकास मोर्चा के बड़े नेता और झारखंड के खेल मंत्री रहे बंधु तिर्की को गिरफ्तार कर लिया है। राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में बंधु तिर्की को रांची के सिविल कोर्ट परिसर से गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रीय खेल घोटाला में ये तीसरी गिरफ्तारी है। इसके पहले SM हाशमी और PC मिश्रा को इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था और इसके साथ ही टेंडर कमेटी के 4 अन्य सदस्यों पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। बंधु तिर्की खेल घोटाला मामले में अप्राथमिकी अभियुक्त हैं। उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट की शरण ली थी लेकिन उच्च न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले निचली अदालत ने भी उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की पर धनबाद में 2 स्क्वैश कोर्ट के निर्माण में वित्तीय अनियमितता बरतने के आरोप हैं। गुरुवार यानी 5 सितंबर को कई अहम केसों पर अदालतों ने सुनवाई की। आइए आपको उन सब के बारे में बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले में 20वें दिन की सुनवाई है। 19वें दिन की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत में सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन ने अपनी दलील रखी थी और कहा था कि मूर्तियां रख देने से मस्जिद का अस्तित्व खप नहीं होता है और ना ही नमाज ना पढ़ने से मस्जिद के वजूद पर सवाल खड़े हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस ग्रेस सत्यावर्ती शशिकांत का भी केस सुनवाई के लिए पेश होगा। पिछली सुनवाई में ये कहा गया था कि प्रथम दृष्टया ये लगता है कि संबंधित भूमि अपीलकर्ताओं की है। अदालत ने कहा कि हमने एकल न्यायाधीश के पूरे फैसले की पुष्टि की है और डिविजनल बेंच के आदेश को अलग रखा है। सुप्रीम कोर्ट में गुलशन बाजवा वर्सेस रजिस्ट्रार हाईकोर्ट और दिल्ली एंड ANR का मामला अपीलकर्ता द्वारा अपील की गई कि जज के हस्ताक्षर और 9 जनवरी 2007 के आदेश के खिलाफ बार सिग्नेचर नॉट वेरीफाइड काउंसिल ऑफ दिल्ली द्वारा पारित कर दिया गया था। खारिज करने का कारण था जयंत कुमार अरोड़ा द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर करना।
और कोर्ट राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार।